हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस फार्मिंग सिमुलेटर 23 के एक और लेट्स प्ले में आप सबका वेलकम है। अच्छा भाई, पिछले लेट्स प्ले में मैंने आपसे बोला था कि मैं भाई इस गेम को थोड़ा बहुत जो है वो खेलूँगा पर्सनली, और जो भी कुछ जो है वो बन पाया वो बनाऊँगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में हुआ ये है कि अगस्त के महीने में हमने ये सारी सोयाबीन प्लांट की थी, और फिर मैंने टाइम स्किप किया था काफ़ी ज़्यादा, तो दिसंबर में वो रेडी टू हार्वेस्ट हो गई थी। और दिसंबर में जब रेडी टू हार्वेस्ट हुई तो मैंने उसी वक्त फिर प्लांट कर दी। टाइम मैंने थोड़ी देर के लिए जो है वो रेल कर लिया था, तो जिससे मुझे जो है वो इतना टाइम मिल गया कि मैं दोबारा प्लांट कर सकूँ। और अब हम वापस आ चुके हैं मई के मंथ में, और यहाँ पर सोयाबीन हमारी एक दफ़ा फिर से जो है वो रेडी टू हार्वेस्ट हो चुकी है। अब इतना वक्त करने का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब यार नहीं कर, बारिश हो रही है क्या? अबे बादल शादल तो कुछ है नहीं, पता है मेरे को लगा एकदम से जैसे ना बारिश हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे इतना वक्त करने का भी मतलब पता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग जो है वैसे भी आज पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि ये चार्ट का क्या मतलब है प्राइस का, तो वो भी मैं आपको साथ ही अभी समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राइसेस पे, और अभी हमने प्राइसेस देखनी है सोयाबीन की। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है 2972 समथिंग, मतलब 3000 के राउंड अबाउट जो है इसकी प्राइस चल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे बटन दिया हुआ है जिसका जिसके ऊपर लिखा हुआ है शो प्राइस फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब है कमी पेशी। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे जो प्राइसेस जाती हैं उसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं, मतलब कि कमी पेशी, मतलब कम या ज़्यादा होना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना शो प्राइस फ्लक्चुएशन, तो ये अभी मेरे को एक चार्ट दिखा रही है। ठीक है, अब ये इस चार्ट अगर मैं पूरा स्क्रॉल करूँगा ना, तो हर मंथ मतलब के पूरे 12 जो है अभी यहाँ पे बार्स बने हुए हैं, और ये बेसिकली चार्ट हमें दिखा रहा है कि सोयाबीन्स की प्राइस जो है वो सबसे हाईएस्ट किस मंथ में होगी। ठीक है, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट जुलाई के मंथ में जो है वो सोयाबीन की प्राइस सबसे ज़्यादा होगी, और अगस्त में जो है वो फिर एकदम से नीचे गिर जाएगी, और लोएस्ट प्राइस इसकी जो है वो जनवरी के मंथ में होगी। सो ये जो लाइन से नज़र आ रही है आपको, ये दिखा रही है कि मैक्सिमम जो प्राइस है वो कहाँ तक जाएगी। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे भाई 3500-3600 के करीब जो है वो जुलाई के मंथ में हमारी इसकी सोयाबीन की जो है वो प्राइस होने वाली है, और अभी चल रहा है मई का महीना। ठीक है, सो अभी हम जल्दी से अपनी हार्वेस्टर उठाते हैं और इसको करते हैं हार्वेस्ट, और जो मैंने पहले भी एक फसल जो है वो हार्वेस्ट कर रखी है वो मैंने जल्दी से अपनी साइलो में स्टोर कर ली है। सो हमारी भाई मौजे ही मौजे हैं, और टेंशन फ्री काम हुआ पड़ा है। अभी इतने पैसे आ जाएंगे कि हम लोग जो है वो एक सब सोइलर या फिर कल्टीवेटर लेके है ना, तो ये जो यील्ड का मुसीबत बनी पड़ी है ना, इसको जो है वो फिक्स कर लेंगे। यील्ड कम अज़ कम हमारा जो है वो 100% हमें मिलना शुरू हो जाएगा। सो ये सारा मकसद है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्राइस फ्लक्चुएशन और ये चार्ट जो है वो क्या मतलब क्या है उसका, और किस तरह से ये वर्क करता है। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं किसी दिन एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो टेंशन नहीं लेनी अपने होते हुए आप लोगों ने, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी एक वीडियो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ लैग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, और दुआ करो कि वो मतलब कि टाइम इतना मिल जाए कि मैं उसको जल्दी जल्दी रैपअप करूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल्स की वजह से जो है वो गाइज यहाँ पे है ना ये लेट्स प्ले भी डिस्टर्ब हो रही है। सो अभी एक दो हफ्ते हैं ना ये लेट्स प्ले की जो सीरीज़ है ये इतनी रेगुलरली नहीं हो पाएगी जितनी मतलब के होनी चाहिए। सो क्योंकि अभी गेम जो है वो न्यू आई है, लोगों को बहुत से जो है वो प्लेयर्स को मसले मसाइल आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो है वो फिर ट्यूटोरियल्स भी बनाने हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी वही गेम खेलनी है, तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि गेम जो है वो वर्क कैसे कर रही है। तो इस वजह से ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है वो भी सारे बनाने पड़ते हैं, तो इस वजह से ना लेट्स प्ले सीरीज़ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। बट एक दफ़ा ये एक दो हफ्ते जैसे तैसे करके जो है वो निकाल लो आप लोग, ताकि हम ट्यूटोरियल्स वगैरह इसके सारे अच्छे से बना लें, फिर हम लोग जो है वो फिर हमने सारी ज़िंदगी जो है वो लेट्स प्ले का ही काम करना है, क्योंकि फिर और कोई काम तो जो है होना नहीं है। सो अभी बेसिकली जो है वो ट्यूटोरियल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, अगर अभी नहीं बनाए तो फिर बाद में बनाने का क्या फ़ायदा। सो इसलिए अभी जो है वो थोड़ा सा लेट्स प्ले पे मेरा कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे अगेन जी हम लोग सोयाबीन ही प्लांट कर देते हैं, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा भी अभी हमारे पास सोयाबीन नहीं स्टोर हुई कि हम कोई इंडस्ट्री ही जो है वो चालू कर लें यहाँ पे। और थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं टाइम अगेन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि
हमारा जो है वो जुलाई का महीना जो है वो आ जाए, क्योंकि अभी हम मई में हैं, 1 जून अभी जून का एक जो है वो मंथ इसमें पड़ा है, ठीक है, और वो हमने जो है वो पास करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये एक चीज़ मैं खुद ही संभाल लेता हूँ, ये हार्वेस्टर हम लोग जो है वो खुद ही ड्राइव कर लेते हैं। तो ये अच्छा सेटअप हो गया गाइज, ये इसके साथ हमने जो ये बड़ा हैडर लगा दिया, बल्कि अच्छा क्या हो गया, ये अभी बहुत पावरफुल सेटअप हो गया, वो जो हमारा सीडर है वो कैचअप नहीं कर पाता इससे। सो ये काफ़ी मतलब क्या ना, हार्वेस्टर अभी काफ़ी जो है वो आगे निकल गई है, और आप देख ही सकते हैं, हालांकि उसके ऊपर भी, इसके हार्वेस्टर के ऊपर भी हेल्पर ही लगा रखा है, उसकी स्पीड भी कम है, लेकिन फिर भी वो जो हमारा सीडर है वो कभी भी इसको कैचअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका हेडर जो है साइज़ वो इसका ज़्यादा है हार्वेस्टर का। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा हम खुद ही हार्वेस्ट, मेरे ख्याल से मेरे को हार्वेस्टर नहीं बल्कि सीडर जो है वो ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि हार्वेस्टर तो पहले बड़ी फास्ट जा रही है। सो ये वाला हम लोग जो है वो पिक कर लेते हैं सीडर, ये भी गनीमत है भाई कि ये इतने मतलब के पैसों में हमारा ये सीडर आ जाता है, और वरना तो मतलब के इमेजिन करो, अगर वही डिफ़ॉल्ट जो सीडर है उसको ही अगर हम लेके चलते तो भाई वो तो एक तो उसकी रेंज ही बहुत छोटी है ना, और ऊपर से वो डायरेक्ट सीड का भी ऑप्शन नहीं है। अभी ये देखो, ये वन गो में हमारे कितने काम कर रहा है, मतलब कल्टीवेट भी हो रहा है, डायरेक्ट सीड भी हो रहा है, ठीक है, और फिर सोइंग भी हो रही है, फिर फर्टिलाइज़र भी दे रहा है, तो सारा काम ये वाला सीडर जो है ना एक ही गो में कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे थे कि जी इसको जो है वो मैं जायरो ऑन करके खेला करूँ, तो आज ट्राई कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, जायरो वैसे मैंने खेला नहीं है, लेकिन ये इस गेम का जायरो एंड्रॉयड के ऊपर इतना स्मूथ है ना कि मेरा दिल कर पड़ता है कभी कभार खेलने को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है गाइस, अभी आप खुद ही देख लो। बस ये है कि क्योंकि फिर मैंने जायरो के साथ कोई ज़्यादा गेमें खेली नहीं है, तो इस वजह से ना मुझे इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो फ़िलहाल वैसे भी मैं कुछ दिन तक जो है वो कंट्रोलर ही, अबे यार कुछ दिन तक जो है मैं वैसे ही कंट्रोलर पे आ जाना है, तो फिर कंट्रोलर से ही जो है वो खेला करूँगा। तो ये जो टर्निंग है ना उसके ऊपर चल के थोड़ा सा मेरे को मतलब कि ना प्रॉब्लम आती है जायरो के साथ, के थोड़ा सा मेरे को ना पैनिक हो जाता है कि यार ये सही से टर्न होगा भी या नहीं। अभी वो देखो हार्वेस्टर के काम इतनी ज़्यादा सोयाबीन जो है वो छोड़ गई है, अब मैं इसको क्या बोलूँ यार, बंदा लिटरली दिल करता है इसको अभी मैं गालियाँ निकालूँ। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे ये हार्वेस्टर जो है वो फिल हो चुकी है, और मैंने थोड़ा सा मज़ीद टाइम स्किप करके मई का जो मंथ है वो लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने वही गलती कर दी जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों ने नहीं करनी। ओके, तो भाई ये तो मैंने ना अपनी मुर्गियों का ऑटो फीडिंग सिस्टम जो है वो लगा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रेलर को तो मैं अभी मूव नहीं कर सकता यहाँ पे, और है तो वैसे काम ख़राब, बल्कि यार इसको ना मूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जो है फिर सोयाबीन्स भी सेल करके आनी है। सो चलो अभी हम इसको ही जो है वो ट्रेलर को ही मूव कर लेते हैं, और ये बेसिकली ना ये इनका ऑटो फीडिंग सिस्टम हो जाता है, आप बस यहाँ पे एक ट्रेलर खड़ा कर दो तो आपको फिर, क्योंकि ये ना इनको फीड थोड़ी थोड़ी करके पड़ती है, और ज़्यादा ये लेते नहीं है फीड, और थोड़ी थोड़ी करके पड़ती रहती है, तो इतना फिर आप बिज़ी हो जाते हैं तो आपको टोटली याद ही भूल जाता है कि आपने अपनी मुर्गियों को जो है वो फीड भी करना है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और इसलिए मैंने तो जो है वो इसको इधर ही वीड फिल करके इधर ही रख छोड़ा था कि भाई खुद ही ये अनलोड होती रहेगी। ये भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि विदाउट ट्रेलर जो है वो ट्रैक्टर ट्रेलर जो है वो खुद ही अनलोड करता रहता है स्टफ़। तो अभी हम चलते हैं अपनी हार्वेस्टर में, और इसमें जो है वो हम लोग लोड करते हैं जो ये सोयाबीन यहाँ पे भरी पड़ी है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हेडर हमने जो है वो बड़ा लगाया है थोड़ा सा अभी तक, तो मतलब इस हेडर के साथ तो थोड़ा बहुत आप काम जो है वो चला सकते हो, लेकिन इससे बड़ा कोई भी हेडर लगाओगे तो फिर आपको ना हार्वेस्टर टोटली कम्प्लीटली स्टॉप करके फिर ही जो है वो उसको अनलोड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगी। अबे क्या बात है भाई, ये तो हार्वेस्टर से ही जो है वो हमारा ट्रेलर बढ़ गया, मतलब इतनी छोटी कैपेसिटी थी। सो चलो अभी जो मैक्सिमम प्राइस वाला महीना है वो तो चुका है जी आ, और अभी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं प्राइस, हमें फीड एंड ग्रेन के ऊपर साउथ के ऊपर मिल रही है, इसको हम कर लेते हैं जी यहाँ पे टैग, और है कहाँ पे भी,
ये जगह कहाँ पे है? ओ, अच्छा तो भाई इस तरफ को मतलब है ये जगह, और वो मुझे लग गई, आप पता है कि है किधर ये। चलो इस तरफ चले जाते हैं और फीड करके आते हैं हम, मतलब फीड करने को बोल रहा हूँ, सेल करके आते हैं ये सोए भी ज़्यादा, मतलब कि यार ये टिप्पर की पता नहीं, मेरे ख्याल से हार्वेस्टर से भी कैपेसिटी इसकी कम है। हार्वेस्टर की मेरे ख्याल से 8,400 लीटर है और ये इसमें सिर्फ 8,000 लीटर रहती है। तो चलो अभी देखते हैं कि हमें ये इस 8,000 लीटर की जो सोयाबीन है इसकी प्राइस क्या मिलती है। अराउंड अबाउट मेरे ख्याल से कोई 30,000 के करीब करीब मिलेगी, या फिर 25 से 30 हज़ार के दरमियान दरमियान में कहीं पे भी जो है इसकी प्राइस होगी। तो ये मैसी का भी कोई इतना वैसे फास्ट ट्रैक्टर है नहीं, 36 के ऊपर जा रहा है मैक्सिमम, जो मेरे ख्याल से 38 के ऊपर चला जाता है, और वो जो जॉनडियर वाला है वो 35 पे जाता है। तो शुरू में ट्रैक्टर तो जो हैं वो दोनों ही थक्कड़ से ही हैं थोड़े से, लेकिन यह है कि चलो काम थोड़ा बहुत जो है वो कर देते हैं। सो ऑफ कोर्स नीड तो है अर्जेंट, मतलब कि ट्रैक्टर्स वगैरह को अपग्रेड करने की, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी इनमें से किसी को बेचा भी तो ट्रैक्टर नया आएगा कौन सा, तो ये मतलब कि ना बड़ा एक कंसर्निंग क्वेश्चन है। और मैं अभी सोच ही रहा था, ये जो मैं जो न्यू हॉल ये जॉन डियर का जो ट्रैक्टर है ना, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि यार इस ट्रैक्टर को तो बेच ही देते हैं। मुझे जॉन डियर के ट्रैक्टर पसंद ज़रूर हैं, लेकिन ये जो क्लासिक वाला है ना, ये थोड़ा सा अजीब ही है ट्रैक्टर, मतलब समय से बाहर है। ऑलराइट जी, यहाँ पे अगेन 27,664 लीटर, और जैसा कि मैंने गैस लगाया था 25 से 30 हज़ार के दरमियान दरमियान जो मैंने बोला था कि प्राइस मिलेगी, सो वही मिली है हमें। और अबे ये आगे फेंस लगी थी, मुझे लगा ये इस तरफ से हम निकल सकते। चलो, ओह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, कितनी गंदी टक्कर लगाई है इसने। चलो कोई बात नहीं, ऐसे छोटे बड़े बड़े गेम प्लेस में छोटी छोटी बातें जो है वो होती रहती हैं, और मैंने भी असल में ख्याल नहीं किया कि वो इस तरफ से आ रही है गाड़ी। वैसे तो ये काफ़ी स्मार्ट बनाए हुए हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं। फार्मिंग सिमुलेटर 20 के मुकाबले में AI हेल्पर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी हैं तो AI ही ना, तो कभी कभार ये भी जो है वो चवले मार जाते हैं, तो इनका जो है वो बाकायदा प्रॉपर जो है वो ख्याल रखना पड़ता है इनसे। अच्छा अभी मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने लगा हूँ, और वो ये है कि अभी मैं जाहिर है वापस नहीं जाना चाहता मैं, और अभी हम लोग जो है वो इसमें से एक बार फिर सोयाबीन फिल करेंगे, और अब मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह हेल्पर को जो है वो मैं लगाऊं ताकि वो हमारी जगह ये जो है सोयाबीन जो है ये बेच आए, और मैं दिखाता हूं आपको, है पॉसिबल है ये, आप कर सकते हैं हम लोग, बट ये है कि मैंने अभी तक जो है वो कम ही ट्राई किया है। ओके तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करनी है सोयाबीन जो कि है 14,000 लीटर्स, और ये भर चुका है जी टिपर हमारा। अभी तो वैसे हमारे पास जितने पैसे हैं इसमें सब सोलर आ सकता है, लेकिन जो मसला है सब सोलर का, उसको हॉर्स पावर पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और ट्रैक्टर हमारे पास कोई है नहीं। अभी मुझे नहीं पता कि मैं इतना पावरफुल व्हीकल जो है वो लूँगा तो क्या बनेगा, क्या ये मतलब कि ट्रैक्टर इनमें से कोई पुल कर पाएगा भी या नहीं। सो वो तो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने करना ही करना है, सो एक दफ़ा देखें तो सही, इनका मुंह तो देखें कि क्या मतलब के बनता है। अच्छा ये हमने डिलीवर करनी है टू दी इसको, और लूपिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इससे बाद एक और ट्रेलर ये जो है वो भर के लोड कर आएगा, ठीक है। सो ये अभी हेल्पर जो है वो जा रहा है लेके, और आई होप कि मैंने जो है वो उसकी डेस्टिनेशन सही से सेलेक्ट की हो। अच्छा गाइज, यहाँ पे है ना एक और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलती कर बैठते हैं, वो ये है कि जब ये देखो अभी मैंने ये हार्वेस्ट किया है ना फील्ड, तो इसके अंदर वीड उगाई है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं यार हो हमारे फील्ड में तो वीड उगाई, सो वो ना इसके ऊपर स्प्रेयर कर देते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो क्रॉप प्लांट करते हैं वीड फिर उगाती है। सो इसका मतलब ये है कि जब ये वाली वीड उगाए और आपने अभी क्रॉप प्लांट करनी हो या कल्टीवेट कर या फिर उसको उसको आप ख़त्म नहीं करें, ठीक है। अगर आप उसको ख़त्म करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपने क्रॉप प्लांट करनी है वो वीड जो है वो दोबारा उगाएगी। सो इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, आप बिल्कुल अपना जो है वो टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो इस वीड को सिंपली इग्नोर मारो और अपनी क्रॉप जो है प्लांट करनी है प्लांट करो,
तो प्लांट करने के बाद जो है फिर दोबारा जब उगे तो फिर आप लोगों ने देखना है कि भी हाँ अब इसका क्या करना है, ये तो दोबारा उग गई है। और ये हार्वेस्टर के काम चेक कर लो जी, मैंने इसको दूसरे फील्ड में लगाया था, ये इस फील्ड में जो है वो खुद ही चली आई है। सो ये मतलब कि सिस्टम है। और अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जी ये जो हेल्पर हमारा लगाया था वो किस तरह से जो है परफॉर्म कर रहा है, सेल करता भी है या नहीं, क्योंकि ना बाज़ औक़ात इनमें बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। अभी तक तो ठीक ठाक आ रहा है और लेट्स सी कि सेल करता है प्रॉपरली या नहीं। कभी कभी इसमें इनमें जो है वो थोड़े बहुत इशू भी आ जाते हैं। सो यहाँ पे आके रुक गया है मुझे लगा शायद वो रुक गया है ये सोच के अभी चल भाई अभी आगे तू खुद ही बेच दे। ओके वाह, ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा लाइफ जो है वो इजी हो गई है इसकी वजह से। मतलब अभी मेरे को वरना ये सारा दोबारा वापस से प्रोसीजर करना पड़ना था और $60,000 जी हमारे हो गए। अभी वो वापस ले आएगा ट्रेलर तो फिर हम उसको जो है वो चेक करेंगे। मीनवाइल हम चेक कर लेते हैं शॉप में चल के कि क्या सिस्टम है सब सॉइलर का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेंज तो थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन इसको चाहिए 300 हॉर्स पावर, जबकि जो प्लोज हैं उनकी रेंज थोड़ी सी कम है 3.5 मीटर्स, जबकि ये है कि 220 हॉर्स पावर है। और ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें जो हमारे पास हैं मीडियम ट्रैक्टर्स में से आते हैं, सो इसकी 170 है और इसकी 190 है, ठीक है। सो ये जॉन डीयर वाला तो प्लो किसी ना किसी तरह मैनेज कर पाएगा, लेकिन ये जो सब सोलर है इसकी मैं कोई मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि करेगा या नहीं। लेकिन मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट इसको मैंने बाय कर लिया है और अभी ये थोड़ा सा बल्कि इसी फील्ड में ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ये रह गया है तो बाकी जो है वो हम सब सोलर ही ट्राई कर लेते हैं अभी ला के इसमें। और इसको मैं यहाँ पे जो ये जो अपना सीडर है इसको हम यहाँ पे पार्क कर देते हैं और इस ट्रैक्टर को भेज देते हैं शॉप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम इसको भेज देते हैं जी शॉप के ऊपर, सेट डेस्टिनेशन, और ये चला जाता है जी यहाँ पे शॉप पे और आई होप के चला जाए। ओके मान गया जी। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं तो ये वापस आ रहा है हेल्पर हमारा लोड अनलोड करके जो भी इसने अनलोड करना था चीज़। और अभी हमारी हार्वेस्टर का ये स्टेटस है कि वो फिर से तकरीबन फुल होने वाली है। और अब अगर मैं बात करूं अपग्रेड की तो ये वाला जो जॉन डीयर का ट्रैक्टर या इवन मैसी फर्गसन का ही, सो यहाँ पे ये 75,000 में ये वाला बिकेगा और तकरीबन $60,000 हमारे पास वैसे ही होंगे और 75,120,000 हो गए, ठीक है। मोटा मोटा सा हिसाब कर लेते हैं। और अगर मैं ये जॉन डीयर वाला ट्रैक्टर सेल करूं तो ये 83 का बिक रहा है तो $130,000 हो गए, ठीक है। सो अब अगर हम देखें कि ट्रैक्टर कौन सा आएगा नया, तो सबसे पहले ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा इनसे बेहतर ही ट्रैक्टर चाहिए। सो हॉर्स पावर वाइज तो यहाँ पे ओके तो ये आएगा जी लैंडिनी का रोबो 6 और 225 इसकी हॉर्स पावर है। या फिर दो मेरा वैसे है ना इस ट्रैक्टर के ऊपर जेसीबी के फास्ट ट्रैक के ऊपर ना बड़ा दिल आ रहा है कि ये वाला जो है ट्रैक्टर बाय करूँ। सो मैं अभी आज के गेम प्ले में तो नहीं बाय करूँगा, थोड़ा सा मज़ीद ग्राइंड कर लूँगा और अगले गेम प्ले में होपफुली इतने पैसे हो जाएंगे हमारे पास कि हम ये वाला या फिर इससे आगे वाला ये। अबे ये फेंड का ट्रैक्टर सस्ता है यार, हॉर्स पावर भी इसकी ज़्यादा है, चलो ये वाला ले लेते हैं। मैं जेसीबी मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस बड़ा शार्प है और ये वाला जो सीडर है ना इससे मतलब कि थोड़ा सा ना बड़ा ज़बरदस्त मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ये इसने छोड़ दिया तो ये हम पिक कर लेते हैं। और ये हार्वेस्टर भी हम अनलोड कर देते हैं अपनी साइलों में ताकि जो हमने लूपिंग एक जॉब लगाई है हेल्पर की वो कंटिन्यू रहे और वो जो है वो काम अपना करता रहे। मेरे ख्याल से भरवा के जो है वो ले गया होगा वो ट्रैक्टर, मोस्ट सर्टनली ले गया है वो भरवा के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार ये, मतलब बड़ा मज़ेदार काम हो गया है, लाइफ आपकी जो काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुकी है इसकी वजह से। यस डेफिनेटली भरवा के जो है वो ले जा चुका है। और मौसम बड़ा यार यहाँ पे अजीब सा हुआ पड़ा है इस गेम में ये मिस। अबे वो तो रुक गया है, मुझे लगता है वो ख़त्म हो गई हमारी सोयाबीन, पता नहीं क्यों लेकिन रुक गया ये ट्रैक्टर, इसको रुकना तो चाहिए नहीं था।
चलो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि सोयाबीन है तो सही यार। सोयाबीन अभी एक टिप्पर पूरा भर जाना था इसमें, पता नहीं क्या क्यों भाई, क्या सिस्टम क्या है यहाँ पे। अभी देखो हेल्पर जो है वो लगा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, सही सही सही, मैंने असल में उसको यहीं से लगाया था, सो वो ना इस वजह से यहीं पे ही वो रुक गया आके, तो इसको शायद यहाँ पे, या फिर शायद इसमें लूप लग नहीं सकता क्योंकि मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं। सो अगेन कोई इसमें इतना इशू नहीं है, ये हार्वेस्टर मैं थोड़ी साइड पे कर लेता हूँ ठीक है, और दोबारा जो है वो हम लूप लगा के देखते हैं कि कैसे वर्क करता है या नहीं। सो क्योंकि मैंने उसको वहीं से लगाया था तो वो लूप उसने अपना कंप्लीट किया और वहीं पे ला के ट्रैक्टर खड़ा कर दिए। सो यहाँ पे ही हम लोग जो है वो अभी अपनी जॉब क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मोड़ देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ना इसको बाहर में ईजी रहे, वरना इसने इधर ही मुड़ने में घंटा लगा देना है। सो इसको इस तरफ को मुंह करके जो है वो खड़ा कर देते हैं। अभी ये बिल्कुल इसके अंडर है ट्रेलर। सो अभी हम जी क्रिएट करते हैं दोबारा जॉब और इसको अगेन लूपिंग, नॉन लूपिंग, लूपिंग में जो है वो कर देते हैं स्टार्ट, और ये फीड एंड ग्रेन साउथ के ऊपर जो है वो डिलीवर करके आएगा, लोड एंड रिवर डिलीवर। अच्छा ठीक है ओके। सो मतलब यहाँ से ना ग्रेन साइलो और सोयाबीन एंड ये डेस्टिनेशन हमने चूज़ करनी है। सही 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 सही, सॉरी सॉरी भाई मेरी गलती है, और इसमें वाकई उसकी हेल्पर की कोई गलती नहीं है। सो मैंने उसको परमिशन नहीं दी थी लोड करने की, लोड एंड डिलीवर। सो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, तो अब वो नहीं रुकेगा ठीक है। सो ये मीन वाइल हम लोग ये जो हमारा सब सॉइलर है इसको ले चलते हैं फार्म के ऊपर। तो ये है तो देखो कितना बड़ा, ट्रैक्टर से तो ये सब सॉइलर ही बड़ा है, लग नहीं रहा कि ये पुल करेगा, लेकिन चलो आप लोगों में से तो शायद किसी ने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया होगा। अच्छा ये जो सामने वाले फ्रंट वाले वेट है ना, हैं तो सही मतलब, लेकिन मुझे ना कोई इतने अच्छे नहीं लगते, मतलब ऐसे लगते नहीं है कि ये ट्रैक्टर को ना प्रॉपर जो है वो एक ग्रिप देंगे या मतलब बैलेंस कर देते हैं, नहीं इस तरह का कोई लगता नहीं है सिस्टम, थोड़े से अजीब ही है मतलब ट्रैक्टर, फिर भी थोड़ा सा ऐसे आगे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अनस्टेबल अनस्टेबल सा लगता है। अब पता नहीं आप लोगों को लगता है या नहीं, लेकिन मैंने तो जो जहाँ तक मैंने देखा है तो मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। अभी हम मज़ीद इसको जो है वो चेक करते हैं ले जाके फील्ड में और देखते हैं कि क्या ये वाला ट्रैक्टर जो है वो पुल कर भी पाएगा सब सोलर या नहीं, क्योंकि भाई जो 20% यील्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, और हम वो सारा का सारा मिस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो फील्ड हैं उनको नीड्स प्लोइंग चाहिए भाई, प्लोइंग चाहिए। और ये है तो मतलब कि थोड़ा सा पंगे वाला काम ही, लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ रियलिज्म ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है। और अभी देखते हैं कि क्या करता क्या है ये वाला मुझे वैसे इस ट्रैक्टर से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हो सकता है पुल कर भी ले, कोई इतनी ज़्यादा भी मतलब कि हॉर्स पावर डिफरेंस नहीं है, 300 है और इसमें हाफ से तो ज़्यादा ही है, मतलब 300 का हाफ जो है वो 150 बनता है, तो 150 से तो मतलब ज़्यादा ही 190 हॉर्स पावर है, हो सकता है कर ले, लेकिन ये है कि मेरा थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है इसके ऊपर। चलें जी ये आ चुके हैं जी यहाँ पे, और अभी हम इसको करते हैं जी अनफोल्ड और देखते हैं तमाशा। ओके 10 के ऊपर लेके तो जा रहा है यार, मतलब और क्या चाहिए, मेरे ख्याल से चलता भी है 10 के ऊपर ही। इसकी अगर हम चेक करें जी वर्किंग स्पीड सब सॉइलर की, चलो 12 है, मतलब फिर भी चलो 10 के ऊपर कर तो रहा है ना यार, ठीक है यार परफेक्ट है, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र जो है वो नहीं आ रही, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट, जिस तरह इसको काम करना चाहिए वैसे कर रहा है, और 12 के ऊपर भी अभी चला ही गया। वो अलग बात है कि आते वक्त इससे 12 नहीं मेंटेन होनी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पावर है वो थोड़ी सी कम है इसमें, बट यस आई गेस इट विल वर्क। और इसको अनफोल्ड करने को तो रहने ही देते हैं, बड़ा मतलब क्या ना अनफोल्डिंग का भी इसका मसला है। ओके जी तो अब यहाँ पे देखो इधर मसला आ रहा है ना इसको, ये देखो क्योंकि अब हॉर्स पावर जो रिक्वायरमेंट है वो इशू उसका निकल रहा है, तो ये अभी 5 के ऊपर आ गया,
वो दूसरे वक्त तो मतलब चढ़ाई थी वैसे ही, तो इसको इतना इशू नहीं बना, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो इसका इशू बनना था वो बन चुका है और ये बिल्कुल 5 जे पे। चलो यार गाइज, ये है कि अभी ट्रैक्टर मतलब कि हम फिर कोई जुगाड़ लगाते हैं अपग्रेड करने का, लेकिन एक दफ़ा जैसे तैसे करके इसको तो हम कल्टीवेट कर ही लेते हैं ना। ये तो 20% यील्ड जो माइनस हो रहा है हमारा फ्री में, वो तो एक दफ़ा मैनेज हो ना। तो अभी हम दूसरे ट्रैक्टर का स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो ये जी वापस आ रहा है और होपफुली टेक्निकली अब इसको जो है वो लोड करने चाहिए मज़ीद सोयाबीन्स, क्योंकि होंगे हमारे पास, यस 5000 हैं अभी भी, तो काफ़ी ज़्यादा हैं ये सोयाबीन और इसको अभी मज़ीद जो है वो लोड करने चाहिए। लेट्स सी करता है या नहीं। तो ये बस मैं आपको एक क्विक छोटी सी चीज़ जो है वो दिखा देता हूँ। और यहाँ पे बड़ा स्लो स्लो डर डर के जो है वो कर रहा है। ऑलराइट, वाओ। तो गाइस देखा आप लोगों ने कितना मतलब के ज़बरदस्त काम जो है वो हो चुका है यहाँ पे, और ये अभी वापस जाएगा सेल करने। सो गाइस, ये था फार्मिंग सिमुलेटर 22 का दूसरा लेट्स प्ले। और गाइस अभी लेट्स प्ले में ना मैंने अगेन थोड़ा सा बोला है कि कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि अभी मेरे को ट्यूटोरियल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाने, वो भी आप लोगों के लिए ही हैं। सो अभी एक दो हफ्ते जो है वो लेट्स प्ले सीरीज़ में थोड़े से गैप आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद होपफुली हम लोग जो है वो लेट्स प्ले सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, फिर हमने करना ही लेट्स प्ले है। सो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि वो भी वीडियोस आप ही के लिए हैं, आप ही को जो है वो उससे फ़ायदा होगा। सो एंजॉय किया है अगर आपने वीडियो को, तो वीडियो के लिए जो है वो एक लाइक ज़रूर छोड़िएगा और न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।